हेलो स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज यूटेराइन मालफॉर्मेशन। यूटेराइन मालफॉर्मेशन क्या होता है वो देखते हैं आज। जो हम देखते हैं कि जो यूटेराइन, जो नॉर्मल यूट्रस होता है, उसकी जो आउटर शेप होती है वो किस शेप में होता है? पीयर शेप में होता है। बट उसकी जो इनर शेप होती है यूट्रस की, वो थोड़ी डिफरेंट होती है। वो कुछ कुछ ट्रायंगुलर शेप की होती है, ठीक है। तो जो यूट्रस का जो अगर इम्प्रॉपर फॉर्मेशन होता है, तो उसमें जो उसकी इनर कैविटी होती है यूट्रस की, जो इनर शेप में होता है यूट्रस, वो थोड़ा उसका इम्प्रॉपर फॉर्मेशन होता है, जो हो सकता है बाहर से दिखाई दे या फिर हो सकता है बाहर से दिखाई ना भी दे, ठीक है। तो क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी के टाइम पे जब फीटस होता है, तो मान लो कि फीमेल फीटस है, उसके अंदर 3 मंथ के अंदर, प्रेगनेंसी के 3 मंथ से पहले पहले उसका यूट्रस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ 2 डक्ट्स। तो 2 डक्ट्स की हेल्प से ना उसका फॉर्मेशन होता है यूट्रस का, जो जिनको मुलेरियन डक्ट बोलते हैं, ठीक है। और उनकी हेल्प से पूरा यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना एंड उसके जो फेलोपियन ट्यूब्स वगैरह सब उसके डेवलप होते हैं, ठीक है। अगर उनका डेवलपमेंट अच्छे से अगर नहीं हुआ है, तो जो पेशेंट है, लेडी वुमेन है, उसको प्रेगनेंसी के टाइम में या फिर लेबर के टाइम में कुछ डिफ़िकल्टी हो सकती है, ठीक है। अगर नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी है, तो उसको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। नॉर्मल एनाटॉमी में मतलब जो मदर और फीटस दोनों के लिए वो सेफ है, लेकिन अगर एनाटॉमी में प्रॉब्लम है, तो वो मदर और फीटस दोनों के लिए बर्डन हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि डेफिनेशन देखते हैं। यूटेराइन मालफॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ एन एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द मुलेरियन डक्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। मीन्स एम्ब्रियोजेनेसिस के समय मुलेरियन डक्ट का एबनॉर्मल डेवलपमेंट होता है, उसको यूटेराइन मालफॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये मुलेरियन डक्ट है, दोनों साइड में ऊपर ये दोनों मुलेरियन डक्ट होती हैं, ठीक है। इन ये जब दोनों आपस में फ्यूज होती हैं, दोनों मर्ज होती हैं, तब नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। लेकिन ये जब यूटेराइन मालफॉर्मेशन की कंडीशन होती है, तो इसमें क्या है कि ये दोनों डक्ट हैं, इनका फ्यूजन नहीं हो पाता है, ये मर्ज नहीं हो पाती हैं। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं कि किस तरह से यूटेराइन मालफॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल देखते हैं, नॉर्मल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ द पेयर्ड मुलेरियन डक्ट, जो पेयर्ड मुलेरियन डक्ट है, जो 2 डक्ट हैं मुलेरियन, उनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद में फ्यूजन ऑफ मुलेरियन डक्ट, उसके बाद में ये दोनों मुलेरियन डक्ट आपस में फ्यूज होती है, एक दूसरे से जुड़ती है। उसके बाद में रिजॉर्प्शन ऑफ द सेंट्रल सेप्टम। उसके बाद में जो क्या होता है कि जो ये मुलेरियन डक्ट होती है, इनके बीच में ये जब जुड़ती हैं, तो इनमें 2 लेयर होती हैं, एक इनर और आउटर। तो ये जब फ्यूज होती हैं, तो जो इनकी अंदर वाली जो इनर लेयर है, वो रिजॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है। और जो आउटर लेयर है, वो यूटेराइन कैविटी का डेवलपमेंट करती हैं, ठीक है। और उसके बाद में नॉर्मल फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। ये देखिए, जैसे इसमें ये फर्स्ट डायग्राम में ये मुलेरियन डक्ट हैं दोनों, पिंक वाली है ना, और ये जो ऊपर से घूम के यूँ आ रही है, ये फेलोपियन ट्यूब का निर्माण करेगी, ठीक है। और ये दोनों जो येलो कलर में हैं, ये ओवरीज हैं, ठीक है। जो तो उसमें क्या है कि जो ये नीचे मुलेरियन डक्ट्स है ना, ये दोनों आपस में फ्यूज होगी, ठीक है। उसके बाद में ये जो सेकंड डायग्राम में होता है, ये फ्यूज्ड मुलेरियन डक्ट, इसमें मुलेरियन डक्ट दोनों फ्यूज हो चुकी है, ठीक है। और उसके बाद में जो इनकी जो इनर लेयर होती है,
वो गायब हो जाती है, वो रिजॉर्ब हो जाती है। और उसके बाद में जो ये थर्ड डायग्राम है उसमें देखिए, और फिर जो उनकी जो इनर लेयर के रिजॉर्प्शन के बाद में जो आउटर लेयर है वो यूट्रस का निर्माण करती है, यूट्रस की इंटरनल केविटी है जो उससे बनती है। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले डक्ट फॉर्मेशन होगा, ठीक है, पहले मुलेरियन डक्ट का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद में डक्ट का फ्यूज़न होता है, ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, सेप्टल रिजॉर्प्शन, मीन्स उनके जो बीच का सेप्टम है उसके जो अंदर की लेयर है उसका रिजॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो अब जो इसका एबनॉर्मल डेवलपमेंट है वो देखते हैं कैसे होता है। उसके बाद में जो फॉर्मेशन ऑफ पेयर्ड मुलेरियन डक्ट है, ठीक है, उसके उसका इम्पेयर्ड डेवलपमेंट कैसे होगा कि जो ये मुलेरियन डक्ट है उनका फॉर्मेशन ही ना हो। ठीक है, मान लो कि एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे ये मुलेरियन डक्ट का फॉर्मेशन हो ही ना, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, यूटेराइन वेजाइनल और सर्वाइकल एजेनेसिस, मतलब या तो यूट्रस या वेजाइना या सर्विक्स उसमें एब्सेंट रहेगा। ठीक है, तो या फिर ये तीनों चीज़ एब्सेंट हो सकती है, या फिर हो सकता है कि यूट्रस और सर्विक्स एब्सेंट हो, वेजाइना प्रेजेंट हो, या फिर वेजाइना भी प्रेजेंट ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और हाइपोप्लेसिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है, मतलब इनकम्प्लीट डेवलपमेंट भी हो सकता है इनका, या फिर यूनिकॉर्नुएट यूट्रस देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके बाद में फ्यूजन ऑफ मुलेरियन डक्ट, जो मुलेरियन डक्ट फ्यूज़ हुई है, अगर उनमें कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है ना, उसमें अगर कोई इम्पेयर डेवलपमेंट देखने को मिलता है, तो उसमें क्या होता है कि उस कंडीशन में यूनिकॉर्नुएट और या फिर डिडेल्फिस यूट्रस देखने को मिलता है। ठीक है, और जो थर्ड है रिजॉर्प्शन ऑफ सेंट्रल सेप्टम, अगर जो सेंट्रल सेप्टम है उसकी इनर लेयर है उसका रिजॉर्प्शन अगर नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में सेप्टेट या फिर आर्क्यूएट यूट्रस देखने को मिलता है। ठीक है, और इन तीनों की कंडीशन, ये सारी कंडीशन मिलके क्या बोलते हैं, यूटेराइन एनोमलीज होती हैं ये। उसके बाद देखते हैं इसके टाइप्स। तो सबसे पहला टाइप है बाइकॉर्नुएट यूट्रस। बाइकॉर्नुएट यूट्रस क्या होता है कि ये एक हार्ट शेप का वोम दिखाई देगा अपने को यूट्रस। ठीक है, अंदर से हार्ट शेप का दिखाई देता है, और इसमें क्या होता है कि मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, इसमें क्या होता है कि ये बाइकॉर्नुएट यूट्रस है, ऊपर इसमें क्या होता है कि जो यूट्रस के फंडल एरिया से मुलेरियन डक्ट का फ्यूज़न नहीं हो पाता है। ठीक है, वो नीचे से तो फ्यूज हो जाती है, लेकिन ऊपर से फंडल एरिया पे से मुलेरियन डक्ट फ्यूज़ नहीं हो पाती, इस वजह से ये हार्ट शेप का वोम बन जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी के टाइम पे है उसमें इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, लेकिन कुछ हद तक इसमें मिसकैरेज के चांसेस होते हैं, या फिर प्री टर्म बर्थ के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि स्पेस इसमें कम होता है, और या फिर सिजेरियन डिलीवरी भी इसमें करवानी पड़ सकती है। ठीक है, और इस कंडीशन में सिंगल सर्विक्स और सिंगल वेजाइना देखने को मिलता है। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड वाला था जो है सेप्टेट या सब सेप्टेट वोम। इसमें क्या होता है कि जो सेप्टम बन जाता है यूट्रस के बीच में, ठीक है, एक सेप्टम जैसा उसमें होता है, जैसे किसी एक्स्ट्रा टिश्यू की वजह से बीच में सेप्टम होता है। ये भी किस कंडीशन में होता है, जब ये मुलेरियन डक्ट कंप्लीट फ्यूज नहीं होती है, उस वजह से होता है। ठीक है, तो कई बार सेप्टेट और बाइकॉर्नुएट में कन्फ्यूज़न भी देखने को मिलता है, लेकिन ये डायग्नोसिस के थ्रू ये कन्फ्यूज़न क्लियर किया जाता है कि सेप्टेट यूट्रस है या फिर बाइकॉर्नुएट यूट्रस है। ठीक है, इसमें भी यूट्रस दो पार्ट में डिवाइड होता है ऊपर से, और
इसमें इस कंडीशन में क्या होता है कि जो कॉन्सेप्शन में है उसमें कुछ डिफिकल्टीज इसमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। और इसमें भी हाई रिस्क चांसेस होते हैं मिस कैरेज के या प्री टर्म बर्थ के, इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें फिटल डेवलपमेंट के बिल्कुल भी वो स्पेस नहीं होता उसके लिए, फिटस के लिए कि वो डेवलप कर सके इसमें। और थर्ड कौन सा टाइप होता है अपना, यूनिकॉर्नेट यूट्रस। यूनिकॉर्नेट यूट्रस ये फर्स्ट वाला, इसमें क्या होता है कि मुलेरियन डक्ट डिफेक्टिव होती है। इसमें क्या होता है कि एक एक साइड का सिंगल हॉर्न यूट्रस होता है इसमें, मतलब एक साइड की फेलोपियन ट्यूब होगी, ठीक है, और यूट्रस भी आधा होगा, तो ये सिंगल हॉर्न इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन बहुत रेयर होती है। इसमें ये जो डेवलप हो जाता है एक साइड का, वो तो नॉर्मल डेवलप होता है, लेकिन जो दूसरी साइड का जो होता है उसके डेवलपमेंट में दिक्कत होती है, ठीक है, वो डेवलपमेंट में फेल हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी को देख सकते हैं, क्योंकि ये जहाँ पे ये जो नॉर्मल डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे प्रेगनेंसी हो सकती है, तो वो एक्टोपिक टाइप की होगी। और सिजेरियन सेक्शन इसमें रिकमेंडेंट किया जाता है, ठीक है। और जो अगर इसके जो अगर दूसरा साइड अगर इसका जो अंडर डेवलप्ड रह गया है, अगर दूसरा छोटा सा साइड में वो दिखाई देगा, उसकी अपनी अलग ही कैविटी होगी उसकी, वो अलग दिखाई देगा, छोटा सा अलग ही होगा वो, ठीक है, उसमें कोई वेजाइना या कोई सर्विक्स उसकी नहीं होगी। देन उसके बाद में अपना है डिडेल्फिस या डबल यूट्रस। इसमें क्या होता है कि जो मुलेरियन डक्ट है वो एक दूसरे से फ्यूज हो ही नहीं पाती है, ठीक है, और जिससे क्या होता है कि ये दोनों अलग-अलग यूट्रस का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन इनकी कैविटी छोटी होती है, ठीक है। हर जो अपना जो भी अलग साइड का यूट्रस है उसकी अपनी अलग-अलग कैविटी होती है। और ये इसके साथ साथ में ये जो सर्विक्स और वेजाइना को भी ये अफेक्ट करता है, तो इसमें हो सकता है कि सर्विक्स और वेजाइना अलग-अलग हो, या फिर हो सकता है वेजाइना एक हो सर्विक्स अलग-अलग हो, तो ऐसा इस कंडीशन में देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें भी कोई एक्स्ट्रा और डिफ़िकल्टीज नहीं होती कंसेप्शन में, लेकिन इसमें भी प्री मेच्योर बर्थ हो सकता है, मिसकैरेज के चांसेस इसमें भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना है आर्क्यूएट यूट्रस। आर्क्यूएट यूट्रस क्या होता है कि ये नॉर्मल यूट्रस की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन इसके जो ऊपर फंडस का एरिया है यूट्रस का, उसमें अपने को डिम्पल लाइक दिखाई देगा, ठीक है, एक डीप सा दिखाई देगी स्ट्रक्चर, डिम्पल होगा उस पे फंडस पे, ठीक है। और इसमें भी सिजेरियन सेक्शन भी रिकमेंड किया जाता है, सिजेरियन सेक्शन की नीड होती है इसमें भी, ठीक है। और उसके बाद में हम देखते हैं तो ये हमने पढ़ लिया बाइकॉर्नुएट, सेप्टेट, यूनिकॉर्नुएट एंड डिडेल्फिस एंड या फिर डबल यूट्रस, आर्क्यूएट यूट्रस। देन अपना है मुलेरियन एजिनेसिस या एबसेंट यूट्रस। तो अपने पैथोफिजियोलॉजी में फर्स्ट पढ़ा था कि जो मुलेरियन डक्ट है उनका ही डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है, वो ही नहीं बनी होती है, तो उस वजह से यूट्रस भी एबसेंट होता है, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होता है, वेजाइना भी एबसेंट होती है, या फिर वेजाइना अंडर डेवलप होती है, या प्रॉपर उसका डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। और इस कंडीशन में पेशेंट में प्राइमरी एमिनोरिया देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें यूट्रस ही नहीं होगा, तो एमिनोरिया ही देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके साइन सिम्टम क्या होते हैं। इसमें क्या होता है, इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो यूट्रस की जो ग्रोथ है उसमें ही डिफेक्ट हो रहा है, ठीक है,
अलग अलग टाइप्स में अलग अलग तरह के डिफेक्ट हो रहे हैं, तो उस वजह से क्या होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग इरेगुलर होती है, ठीक है, या फिर एमिनोरिया भी हो सकता है, ठीक है, और मिसकैरेज के चांसेस होते ही हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि कैविटी नहीं है अच्छे से, या फिर पेनफुल पीरियड्स भी इसमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऐसी कंडीशन है जिसमें एक्स्ट्रा यूट्रस भी है ना, दो यूट्रस है, सेप्टम है, तो उसमें क्या एक्स्ट्रा एंडोमेट्रियम भी है, तो उस एक्स्ट्रा एंडोमेट्रियम के कारण जब पीरियड्स के टाइम पे वो पेनफुल होगा और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा, या फिर इनफर्टिलिटी भी होगी ऐसे पेशेंट में, ठीक है, या फिर इनफर्टिलिटी क्यों हो सकती है, क्योंकि और एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है, एक्टोपिक या फिर प्रीवियस सीजेरियन सेक्शन हुआ हो तो उस वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। देन डायग्नोसिस देखते हैं इसके क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, नहीं पहले हिस्ट्री टेकिंग, पहले हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, तो हिस्ट्री में हम क्या क्या पूछते हैं उसको, कि कोई रिकरेंट मिसकैरेज की हिस्ट्री है कि नहीं है, या फिर उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं कि या एमिनोरिया की कंडीशन है, या फिर पेनफुल पीरियड्स हैं, या फिर मतलब कोई भी किसी भी तरह की उसको प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में उससे हिस्ट्री लेते हैं। उसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में उसके वेजाइनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, स्पेक्युलम एग्जामिनेशन कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में उसकी वेजाइना की कंडीशन या फिर सर्विक्स की कंडीशन देख सकते हैं। देन यूएसजी कर सकते हैं, ठीक है, तो यूएसजी में हमको इंटरनल ऑर्गन तो दिख ही जाएंगी, यूट्रस का फॉर्मेशन क्या है, कैसे है, वो सब पता चलेगा। देन पेल्विक एमआरआई, पेल्विक एमआरआई में भी हम अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये श्योरिटी के लिए करते हैं कि ये कंडीशन जो है वो क्या है। और उसके बाद में हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी, हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी में क्या होता है कि वेजाइना के थ्रू हिस्ट्रोस्कोप को इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, और उस हिस्ट्रोस्कोप में कैमरा लगा होता है, तो वो जो उससे क्या है अच्छे से विजुलाइज हो जाता है। लेकिन अगर बीच में सेप्टम आ जाता है तो वो उसको वो उसके बाद में अंदर नहीं जाएगा, उसके बाद में वहीं तक ही हम विजुलाइज कर सकते हैं। उसके बाद में लेप्रोस्कोपी एंड हिस्ट्रोस्कोपी, इसमें भी यही कर सकते हैं कि जो मिनिमम इंसीजन लगा के जो कैमरे को इंसर्ट किया जाता है कैविटी में, उसके बाद में सारे ऑर्गन्स का विजुलाइजेशन किया जाता है। और हिस्ट्रोस्कोपी में भी वेजाइना के थ्रू कट लगा के यूट्रस में हिस्ट्रोस्कोप डाला जाता है और विजुलाइजेशन किया जाता है। उसके बाद देखते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं इसके। अबॉर्शन, जैसे कि मैंने पहले बताया, इसमें अबॉर्शन तो के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वीक यूटेराइन एक्शन मीन्स क्या होता है कि जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर होते हैं, क्योंकि यूट्रस का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है, तो उसके जो कॉन्ट्रैक्शन है वो भी प्रॉपर नहीं आएंगे। एंड पीपीएस देखने को मिल सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज देखने को मिल सकता है, एडेजन ऑफ प्लेसेंटा देखने को मिल सकता है, मतलब कि मान लो प्लेसेंटा का अटैचमेंट डीप हो रखा है, ठीक है, डीप अटैचमेंट है प्लेसेंटा का, और वो अच्छे से सेपरेट नहीं हो पा रहा है, सेपरेट नहीं हुई, उसका कुछ पार्ट रह गया है प्लेसेंटा का यूट्रस में, क्यों, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से नहीं आ रहे, तो उसका सेपरेशन भी नहीं हो पा रहा है, तो उस सेपरेशन के कारण, उसका सेपरेशन नहीं हुआ है, तो उसके कारण पीपीएच देखने को मिल सकता है। और या फिर उसका प्लेसेंटा है, उसका जो अटैचमेंट है वो डिले भी हो सकता है, ठीक है, तो डिले प्लेसेंटा डिटैचमेंट के कारण भी पीपीएच देखने को मिल सकता है। देन माल प्रेजेंटेशन, फिटस की माल प्रेजेंटेशन भी इसमें होगी, क्योंकि स्पेस नहीं है अंदर कि वो रोटेट कर सके अपने आप को फिटस, तो उस वजह से माल प्रेजेंटेशन होगी। देन प्रोलोंग्ड एंड ऑब्स्ट्रक्टर लेबर, क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे। देन यूटेराइन रप्चर ड्यू टू इट्स पुअर डेवलपमेंट, ठीक है, यूट्रस रप्चर भी हो सकता है अगर प्रेगनेंसी
क्या टाइम जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे फिटस का साइज़ भी बढ़ेगा, और लेकिन यूट्रस में इतनी स्पेस है नहीं, तो यूट्रस रप्चर के चांसेस इसमें होते हैं। देन अब इसका देखते हैं मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि मेडिकल मैनेजमेंट इम्पॉसिबल होता है इसमें, क्योंकि ये कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, ठीक है, कंजेनाइटल डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है ये, तो इसमें मेडिकल मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है। ओनली सर्जिकल करेक्शन इसमें कर सकते हैं, वो भी कुछ कुछ कंडीशन में, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल की क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, कौन से टाइप का डिफेक्ट है, उस पे ये डिपेंड करता है कि सर्जिकल करेक्शन करना है कि नहीं करना है। जैसे कि डिडाइल्फिक यूट्रस में जो यूट्रस है उसमें सर्जरी को रिकमेंड नहीं किया गया है, लेकिन जो यूटेराइन सेप्टम है, जैसे जो यूटेराइन सेप्टम वाली जो प्रॉब्लम है जिसमें यूटेराइन बीच में सेप्टम है, उसको करेक्ट करके उस सेप्टम को रिमूव किया जा सकता है थ्रू सिंपल प्रोसीजर, ठीक है। और किसकी हेल्प से, लेप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी की हेल्प से उसको सेप्टम को रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। उसको उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, मेट्रोप्लास्टी, मतलब रिमूवल ऑफ सेप्टम। ओके, थैंक यू।